अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मौसम कैसा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया का? वेदर तो बहुत ज़्यादा कमाल हुआ है, और चूंकि वेदर बहुत अच्छा है तो मूड भी अच्छा था, तो मैंने कहा कि जो मैंने फूड सीरीज़ का स्टार्ट की है ब्लॉगिंग, उसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर दूँ, जिसमें मैं डिफरेंट जुगाड़ी राइस रेसिपीज़ जो है ना वो बताऊँगी कि एक साल से ऊपर के बच्चों को आप किस तरह डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस दे सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और इस वीडियो के एंड पर मेरे मुन्नी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो भी है, और अगर आप एंड तक देखेंगे यू विल लव इट टू। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन पुलाव सब घर वालों के लिए बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो बच्चे के लिए अगर आपने बनाना है तो बहुत लाजमी कि हर दफ़ा आप उसके लिए अलग से बनाओ। अब मैं ये चिकन पुलाव बना रही, मैंने इसमें प्याज डाला, टमाटर डाला, हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और दैट्स इट। और इसको मैं भूना है अच्छे से। अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, उससे पहले मैंने थोड़ा सा इधर सेपरेट निकाल लिया है, इतना सा अवैस के लिए। इसमें ये है कि अब मैं इसमें हल्का सा देसी घी डालकर इसको भून के सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसमें चावल डालकर इसके लिए अलग से थोड़ा सा बना लूँगी, और बाकी घर वालों के लिए जितने किए मसाले डालकर वो बना लूँगी। तो इससे ये है कि बड़ों के लिए भी बन जाएगा, बच्चे के लिए भी बन जाएगा, और वो ईजिली खा भी लेगा। जो अवैस के लिए मैं बनाऊँगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा मैश होगा और ज़्यादा चावल गले होंगे, ताकि वो उसको खाने में इशू ना हो। ये देखें, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, हल्का सा नमक डाल दिया है, और अब मैं इसकी भुनाई करी उसमें थोड़ा सा पेस्ट भी डालकर बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, ताकि वो एक दो दफ़ा खाए, और बस फिर मैं नई चीज़ों से दूँ। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी, बिल्कुल बड़ों की तरह हल्का सा, ताकि टेस्ट उसको आए। क्योंकि अब वो उस टेस्ट से जब वो थोड़ा सा जो है ना सस्ते जाता है, वो कहता है बिल्कुल खींची सी सादी सी चीज़ दोगे तो वो नहीं खाता। तो अब इसका ये पानी करके खुश, फिर हल्का सा मैं इसमें डालूँगी योगर्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि योगर्ट का कोई नुकसान नहीं है। योगर्ट डाल के फिर उसके बाद पानी डाल के अंदर चावल डालूँगी, और बस ये पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें एक मैंने हाफ टेबल स्पून योगर्ट डाल के फिर उसको मैं दही का पानी खुश करेंगे, फिर दूसरा पानी डालेंगे। यस मामा की जान जी बेटे, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब पानी को बॉयल आएगा तो इसमें मैं राइस डाल दूँगी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये देखें, बॉयल आना शुरू हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे राइस, बिल्कुल थोड़े से हल्के से राइस डालें। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, ताकि ये जो है अच्छे से गल जाएं, ताकि बच्चे के लिए खाना जो है ना वो इजी हो जाए। अब मैं इसको करूँगी कवर, ये मैं कवर लगा देती हूँ। ये देखें जनाब, थोड़े से अब मैं इसको थोड़ा सा और खुश करूँगी, बाकी ये रेडी हैं, और ये दो टाइम बच्चा खा लेगा ईजीली। सो नेक्स्ट रेसिपी है कीमे वाले राइस। ये कीमा मैंने अच्छे से धोकर उसको रख दिया, इतना सा इनफ है। अब इसमें मैं ये फिल्टर वाटर, मेरे पास फिल्टर वाटर की टैप है, यहाँ से मैं पानी डालूँगी इसमें, और फिर इसमें नमक और ब्लैक पेपर जो मैं बस सब में डालती हूँ। ये अब हमने डाल लिया है, और ये पानी आपको शायद ज़्यादा लग रहा हो, बट इसी में चावल गलाने हैं तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इस पानी को छानना नहीं है, ना मैंने इसको स्ट्रेन करना है, तो फिर इसी के पानी में जो है वो चावल गलेंगे। अब मैं इसमें बस नमक ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर, या इनफ। ये मैंने अंदर राइस डाल दिए थे, और अब ये थोड़े से मुशी से लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो इजीली फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, अभी राइस चूँकि ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने अवैस के लिए सूप बनाया था, कैरेट, चिकन और हल्की सी जुकीनी डाली थी,
और उसका सूप बनाया था, बट बिकॉज आई हैव मेड इट टू मच सो आई एम थिंकिंग अबाउट यूजिंग इट इन द राइस. इसमें मैं थोड़ा सा सूप डाल के मैं इसको बनाऊँगी. हल्की सी मैं हल्का सा सॉल्ट डालूँगी और ब्लैक पेपर, एंड आई थिंक ये टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस कर देगा. जब इस तरह चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो मिक्सअप करके कुछ और बना लेना चाहिए ताकि वैरायटी बच्चों को मिल जाए खाने के लिए. ये मैंने सूप इसमें डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा उसके लिए रखा है बस एक टाइम के लिए, बाकी मैंने सारा इसमें डाल दिया है और अच्छे से राइस इसमें हो जाएंगे. अब मैं इसमें हल्की सी ब्लैक पेपर डालूँगी, जस्ट आई एम गोना स्प्रिंकल अ लिटिल बिट, नॉट टू मच, और थोड़ा सा सॉल्ट. मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो. इसका पानी अच्छे से पुश करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए और बन जाए. आवर राइस आर ऑलमोस्ट रेडी, बस थोड़ा सा अंदर यखनी सी रह गई है, वो ड्राई होगी तो राइस भी बन गए. अच्छा, मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही थी तो मैंने सोचा कि फटाफट वैस के लिए भी बना लूँ, क्योंकि आजकल बच्चे इतना तंग करते हैं. अगर मैं इसको रोज़ हर एक दो दिन बाद कोई नई चीज़ ना दूँ तो ये तंग आ जाता है, इसको नई नई वैरायटी चाहिए. तो अब मैंने इसके लिए, बाकी के लिए चिकन मैरिनेट किया था तो इसके लिए भी हल्का सा मैंने योगर्ट के अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का हल्का मैं थोड़ा थोड़ा इसको जो है ना स्पाइसेस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, बिल्कुल लाइट से हल्का सा नमक और हल्का सा कोरिएंडर पाउडर और बिल्कुल जो लाल मिर्च है बनाने के बराबर. इसमें मैं बिल्कुल 3-4 ड्रॉप्स जो है वो लेमन के डालूँगी, बिल्कुल उसको एक बिरयानी का टेस्ट देने के लिए. और बस ज़ीरा पाउडर हल्का सा डालूंगी और फिर इसको 2-3 चिकन के पीसेस इसमें डाल के तो इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी ताकि ये भी खा ले. बस इट्स इनफ. ये देखिए, अब बड़ों के लिए मैरिनेट करके रख दिया है और ये मैंने अवैस के लिए थोड़ा सा रख दिया है. बिल्कुल थोड़े से उसके लिए राइस बनाऊंगी, बट ये है कि वो भी फिर शौक से खा लेगा. ये अब बड़ों के लिए बिरयानी बन रही है, साथ ही मैंने एक बार हल्का सा देसी घी डाला है. अब इसके अंदर मैं थोड़े से प्याज डाल दूँगी. अब प्याज ब्राउन हो गए थोड़े से, इसमें मैं ये टमाटो का पेस्ट जो मैंने बनाया था थोड़ा सा मैंने इसके लिए रख लिया था, बाकी मैंने बाकी के लिए. अब इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैं डाल दूँगी और इसको अब मैं पकने दूँगी. तो अब मैं जब तक ये इसको अच्छी तरह पकाऊंगी कि गोश्त भी गल जाए और जो योगर्ट है वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो छोड़ दे, तो अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से. ऊपर मैं कवर कर देती हूँ और फिर पकाती हूँ. जब तक बन रहा है तब तक हमने इसके थोड़े से निकाल के सेपरेट करके राइस रख दिए हैं, तो वही मैं इसमें डाल दूँगी. तो कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, हाँ थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन जिस तरह बच्चा खाए जैसे खाए वैसे हमें कर लेना चाहिए. अब ये हो गया था, अब इसमें मैं जो वहाँ से मैंने थोड़े से राइस बचाए थे वो मैं डाल दूँगी और इसको हल्का सा कलर ऐड कर दूँगी बिरयानी का ताकि टेस्ट आ जाए, और बस फिर इसको रख दूँगी. ये मैंने मिक्स कर दिया था, अब मैं हल्का सा बस जो है ना फूड कलर ऐड करूँगी. दैट्स इट. मैं इसको ढाँक के इस पे दम पे दे दूँगी और बस हमारी बिरयानी रेडी. ये देखें जी, अब ये मुशी सी थोड़ी सी बिरयानी रेडी हो गई है हमारे चुने मुन्ने के लिए कि वो उठे और खाए. ओके, नाउ द फिफ्थ रेसिपी इज़ चिकन राइस रेसिपी. ये चिकन पुलाव से काफ़ी मिलती जुलती है. इसमें मैंने क्या किया कि चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर दिए और अब मैं देसी घी डालूँगी और देसी घी के अंदर उसको मेल्ट होने दूंगी. जैसे वो मेल्ट होगा तो उसके अंदर प्याज डाला जो कि मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ था. राइस थोड़े से सॉल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर थोड़े से ज़ीरा डाल लें जस्ट टू इन्हेंस द टेस्ट. ओके, सो अब आती है टमाटर डालने की बारी. इसमें थोड़े से टमाटर डाल लें और मिक्स 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 थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें. मुझे लगता है कि इस टाइम पे आके बच्चों को थोड़े थोड़े से मसाले जो है ना हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बिल्कुल ताकि वो दूसरों के घर जाके सी ना करते रहें.
तो हल्का हल्का जो है ना मसाला इंट्रोड्यूस करवाना देना चाहिए। थोड़ा सा भी मैंने नमक डाला है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जिसको कहते हैं। अब ये रेड चिली मैंने थोड़ी सी डाली है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आपने नहीं डालनी, बिल्कुल हल्का हल्का कि बच्चे को सिर्फ टेस्ट आना स्टार्ट हो जाए। और ये बिल्कुल टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला, और ये थोड़ी सी काली मिर्च। ये सब डाल के अब दोबारा हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अब हमने पानी लेके थोड़ा सा इसको तड़का लगाना है, और तड़का लगा के इसको मिक्स करेंगे। फिर जो हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे उसको मैं लूँगी और उसको मैं डाल दूँगी। अब हम हल्की आंच पर चिकन को गलाएंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए, और क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हैं ये जल्दी गल जाएंगे, और जब ये हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जब पानी को बॉईल आना स्टार्ट होगा फिर हम अपने राइस पकड़ेंगे और राइस को हम डाल देंगे उस पानी में। एक हाथ से काम करना और दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग करना इज़ सच अ टफ जॉब, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। फिर हल्की आंच पर ऊपर ढक्कन दे दें और इसके पकने का वेट करें, और जैसे ये गल जाएंगे तो आपके राइस रेडी हैं, बच्चा खाएगा, इंजॉय करेगा। और अब आप मेरे मुन्ने की वीडियो देखें। यस, अवेश ब्लॉक्स लेके आओ। अवेश, गिव मी दैट ब्लॉक, लेके आओ प्लीज, कम ऑन कम ऑन, इसमें रखो। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। वो भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। यस, थैंक यू सो मच। ये इतना खुश हो जाता है जब भी ये रखता है, इसके अंदर डालता है, एंड व्हेनेवर आई से थैंक यू ही बिकम्स सो हैप्पी। या थैंक यू सो मच। चलो वो भी लेके आओ, वो भी लेके आओ। नो, वो लेके आओ ब्लॉक्स। मामा की हेल्प करो ना, इतनी दूर नहीं जाया जाता मेरे से। इधर आओ, कम बैक, ये पकड़ाओ पकड़ाओ, जल्दी 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 जल्दी, नॉट दिस वन। थैंक यू सो मच। कैन आई हैव इट? Thank you. Oh. Oops. Whoops.